अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल नाथ है, जय मां सोशलिस्ट कोडिंग ग्रुप का अध्यक्ष। यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, सरस्वती पूजा का आयोजन है और इसके उपलक्ष्य में भव्य भंडारा का आयोजन है। यह विगत कितने वर्षों से यह कार्यक्रम यहाँ चलता आ रहा है? यह विगत वर्षों 8 वर्षों से चला रहा है। किस तरह का आयोजन यहाँ पर होता है? सर यहाँ पर आयोजन बहुत बढ़िया से होता है। और कुछ समाज के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सर सामाजिक तौर से सभी लोग के सहयोग से सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। आप अपना परिचय बताइए। मैं राजकुमार यादव, राजनीडी से बनियापुर। आज सरस्वती पूजा का आयोजन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने यहाँ सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में भंडारा कराते हैं। हम लोग सब लोग मिल के सभी के सहयोग से विगत आठ वर्षों से यहाँ कराया जा रहा है। सभी के सहयोग से भंडारा हम लोग का अच्छे तरीके से हो जाता है। और समाज के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की संवेदना रहेगी आपकी? समाज के प्रति एकदम अच्छा भेदभाव सम्मान सबका सबका विकास लेकर सबको देख कर लेकर चलना है हम लोगों को। हम लोग देखते युवा हैं, अपना मिलन के यहाँ पे कार्यक्रम कराते हैं। हर वर्ष सबके सहयोग से भंडारा होता है। आज यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी कार्यक्रम रखा गया है उसके उपलक्ष्य में, भंडारा और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में हम सभी भाई लोग यहाँ मिल के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी शुरू हुआ है, जो कि आगे तक करते रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय बताएं। मैं बाला लखिंदर राजभर, मिशन समाज सेवा के प्रदेश अध्यक्ष और सुहेल देव जैन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय महासचिव। आज सुहेल जयंती के शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज महाराजा सुहेल देव जी के जयंती पर पूरे भारतवर्ष में महाराजा सुहेल देव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है और सारनाथ की धरती पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग महाराजा सुहेल देव जी की जयंती मनाए। आने वाले समय में समाज में किस तरह का बदलाव आप लोग करना चाहते हैं? आने वाले दिनों में पत्रकार महोदय जी, हम लोग समाज को राजभर समाज के साथ साथ दूसरे समाज को भी जोड़ने का काम करेंगे और सबसे ज्यादा युवाओं को हम लोग का फोकस रहेगा, क्योंकि युवा है तो देश है। युवाओं की संख्या देखिए बेरोजगारी का दंश झेल रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? हाँ महोदय जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही हमारे लिए है कि युवा आज के डेट में बहुत से अधिक बेरोजगार हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से, युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो हमारे युवा अपने पथ प्रदर्शक से भटक कर एक बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन कर रहा हूँ कि युवाओं के बारे में सोचें। और समाज हित के लिए आप आगे किस तरह का कार्य करेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं। समाज हित के लिए मैं अपने संगठन के माध्यम से, अपने मिशन समाज सेवा संगठन के माध्यम से प्रति हर महीने गरीबों का सेवा हम लोग कहीं हॉस्पिटल में तो कहीं रोड पे जो किनारे हमारे छप्पड़ में हमारे गरीब असहाय बेरोजगार लोग रहते हैं उनको हम लोग चाहे अन्न की सेवा हो चाहे उनके कपड़े की व्यवस्था हो हम लोग संगठन के माध्यम से दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।